और भाई क्या हाल चाल, सब मस्त है? मस्त है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी हम लोग करंटली हैं उसी ट्रेन में। कहाँ पे हैं अभी हम लोग? पहुँचे हैं भुसावल। तो यहाँ से तकरीबन 4 या 5 बज जाएंगे वहाँ तक पहुँचते। देखते हैं पूरी जर्नी आज ट्रेन की होने वाली है। और ये रहा हम लोग का बोगी B3 AC का। और भाई खाने के लिए मतलब शाम को जो खाना खाए थे ट्रेन में वही खाना, इसे फिर से खाना पहले ब्रश कर लेना, इसके बाद खाना है। नहीं ठीक है, लेकिन फिर से खाना यही खाना पड़ेगा। सांबर वाला इडली यहाँ पे बिक रहा है, लेकिन अभी तक कोई ब्रश नहीं किया है, ना ये ब्रश किया है और ना ही मैं ब्रश किया हूँ। तो अभी देखते हैं क्या सीन कैसा होता है। चलो भैया। तो यहाँ पर मैं सोया हुआ था, इधर सुनील सोया हुआ था, लेकिन हो गया, सो लिया भाई। ब्रश वगैरह करके रेडी हो गया हूँ, अब देखते हैं खाने में क्या मिलता है। ट्रेन में क्या आएगा? ट्रेन में सुबह से चाय आ रही है खाली। अब कोई स्टेशन आएगा ना तो वहाँ पे बड़ा वगैरह देख लेंगे अभी कुछ काच। तो अभी हम लोग फिलहाल भुसावल छोड़ चुके हैं और ये देखिए ट्रेन की लेंथ है, ये देखो भाई साहब। और इधर तो इंजन आपको पास ही में दिख रहा होगा और इधर ना काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन वेदर देख सकते हैं, वेदर काफ़ी मस्त एक नंबर है। पानी वगैरह नहीं गिर रहा है लेकिन शांत मौसम है अभी। तो अभी यहाँ पे बाहर खड़ा होना थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, मतलब अंदर जाता हूँ ना एकदम ऐसे ही जैसे कि एकदम पैक हो गया हूँ भाई। लगते हैं शाम के 4 बजे तक की जर्नी है भाई साहब हमारी ट्रेन की, क्या करें। चाय पीना है ना, पी लेते हैं। चाय दे देना भैया, दो एक क्या पी लीजिए, ले लीजिए ले लीजिए। सुनील साहू जी भैया 15 क्या देते हो यार, 2 हजार चाय का पूरा गिलास भर दो भैया बोल रहे हैं। ये लो पकड़ो, पैसा देना पड़ेगा, ये लीजिए। तो ये चाय के 2 कप आ गए, ये भरा हुआ है ना, तो ये मेरा हो गया, चले बराबर हो जाएगा, ये ले। चलिए आज का दिन का स्टार्ट करते हैं चाय और बिस्किट के साथ, लेकिन ये मैं इसमें डुबाया हूँ, कहीं डूब के मर गया। इसी चीज का डर था पता है, डूब के मर मत जाए। वीडियो बनाते बनाते थे डूब के, ये भी बचेगा नहीं, दूसरा बचेगा। हम लोग ये बिस्किट लाए थे पतंजलि वाला, मेरा वाला नहीं खाना है, अपने वाला। हाँ ठीक है भैया। चाय में लिटरली कोई टेस्ट नहीं, मतलब गर्म पानी है, थोड़ा सा अदरक का टेस्ट आ रहा है। भैया चाय मत पीना ना आप, है ना, स्टेशन में पी लेना कहीं से। तो मैं दिखाता हूँ अभी करंटली ये ट्रेन कितनी लेट चल रही है। ये गए अभी देखिए रिसेंटली ये जलगांव स्टेशन छोड़ी है और भाई साहब 5 घंटा 29 मिनट, मतलब नियर बाई 5.5 घंटा लेट चल रही है। सुनील साहू जी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़े रहो, ऐसे ही पड़े रहो। 5 घंटा 29 मिनट और स्पीड स्पीड क्या दिखाऊं भाई, ट्रेन तो अभी रुक गई। ट्रेन की एक्चुअल स्पीड 83 ठीक है, अब देखते हैं, फिर भी लेट हो रही है, बल्कि 83 स्पीड में चल रही है भैया। देखो मोबाइल मत गिराइएगा, मोबाइल नहीं गिराऊंगा तुम्हारा। अभी देखिए बहुत देर के बाद 100 की स्पीड पकड़ी है, ऐसे स्पीड बनी रहे तो हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे साया। ये बढ़िया जुगाड़ है, बंद हो गया सीट। ये वाली जो सीट रहती है ना रात को, मतलब वो जो रहते हैं पेंट्री कार्ड वाले, कोई सर्विसेज रहते हैं जो स्टाफ वगैरह, इसमें सोते हैं मस्त जुगाड़, मतलब यहाँ पे एक नंबर। इसको हटा के इसको ऐसे करके लगा लेते हैं, एक नंबर जुगाड़ बन जाती है। Do you believe me? I'm a lonely soul. अभी सुबह के 10:06 हो गए हैं, अभी हम लोग हैं नंदुरबार में और यहाँ का टाइमिंग इसका था 4:35 का, मतलब 4:30 बजे के आसपास इसका टाइमिंग था। अब 10 बजे पहुंची तो समझ लो 6 घंटे लेट हो गई भाई, कम से कम पूरी 6 घंटे 5.5 घंटे पूरी लेट चल रही है। और पता नहीं खाने कुछ ठिकाना नहीं, यहाँ पे ब्रेड वगैरह है वो क्या है भैया, कैसे रुपए है वो? 20 रुपए का 80 ग्राम 20। ट्रेन छूट गया बाद में खाते हैं, खा नहीं पाए, ट्रेन छूट गया। वेट कर दिए थोड़ा सा, पतरा पतरा कुछ नया आइटम था ना। अभी हम लोग फिलहाल गुजरात में एंट्री ले चुके हैं, लेकिन कोई भी स्टेशन पे कोई भी फूड स्टॉल नहीं दिख रहा है। ये देखो ये पता नहीं कौन सा स्टेशन है, गुजरात में एंट्री तो ले चुके हैं, बारडोली करके है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लिटरली भाई फूड स्टॉल नहीं दिख रहा है। नहीं चाहता कि मैं ट्रेन का खाना खाऊं, क्योंकि ना उसमें कुछ टेस्ट नहीं था। और अभी ना सुनील एग करी का ऑर्डर दे दिया, लेकिन आज सैटरडे है और मैं शनिवार को और गुरुवार को नॉनवेज नहीं खाता,
अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए, बैठे हैं, कोई सा बड़ा स्टेशन देखे तो वहाँ पे खाना वगैरह कोई बंदोबस्त देखूँ तो वहाँ पे खा लूँ। लो भाई घंटी बज गई, चलते हैं अंदर। कोई भी फूड स्टॉल नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं रहते हैं ना जैसे आलू गुंडे, सुबह सुबह था आलू गुंडे लेकिन ऑयली हो जाता है ज़्यादा, तो चलते हैं अब। भैया पन्नी में डाल लो इसको, बहुत देर से पड़ा हुआ उठ ही नहीं रहा है। भैया मराठी में बोले लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या बोले। सफाई वाले का सपोर्ट करो। सुनील कुमार 10 रुपये है चेंज। बंगाली में बोले कि मराठी में बोले? ये लीजिए खा लो भैया, खाना आ गया है। 10 तुम्हारा 10 मेरा दे दिया, मैं सपोर्ट कर दिया सफाई कर्मचारियों का। नेक्स्ट स्टॉप आए हैं उदना जंक्शन। यहाँ पे भी ना एकदम सुन सपाटा, ये देखो हम लोग की ना बोगी ही इतनी आ गई है कि सारा कुछ सामान पीछे छूट जाता है। अभी हम लोग हैं सूरत में और यहाँ पर कोई खाना खाना चिल्ला रहा था, राइट नाउ वी आर इन सूरत। हेलो गुजरात वाले भैया, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है आपके यहाँ? यार सही बता रहा हूँ, आपके यहाँ कुछ खाने को नहीं मिल रहा? पता नहीं, कुछ दिखा तो है, देखते हैं क्या है। हेलो कैसे रुपये प्लेट भैया? हाँ भैया कैसे है? प्लेट एक प्लेट में 4 आएगा, 2 वाला 2 पाव। कितना प्लेट दो? एक प्लेट दे दीजिए। वाड़ा गरम गरम खा लो, गरम गरम खा लो भैया। कितना प्लेट? 2 प्लेट चार्ज दिया हूँ भैया, 20 वापस कर दो। यहाँ पे बड़ा पाव ये बहुत चलता है ना। दो एक ये भैया देखे, फूड एक्सप्रेस सूरत लिखा हुआ है इसमें। कैसे रुपये प्लेट है भैया? कैसे रुपये प्लेट है? 150 का सर, 5 रोटी अचार है, गुलाब जामुन दही है। तो ये खाना मिला है 150 रुपये का और बड़ा पाव ले लिया है मैंने 30 रुपये का। देखते हैं क्या टेस्ट होता है, कैसा टेस्ट होता है इसमें। फाइनली भाई मिल गया, कुछ तो मिला, एक्सपेंसिव मिला, महंगा मिला, लेकिन मिल गया। और यहाँ पर समोसा वगैरह भी था, बट आई डोंट वॉन्ट ईट समोसा। खुल जाओ सिमसिम। ये लो भैया, मिला कुछ तो शाकाहारी मिला। ये मिला है बड़ा पाव, ये बड़ा पाव खा लेना है ना। तो फाइनली मेरे को प्योर वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी खाना मिल गया, मैं शनिवार को अंडा नहीं खाता। ये बड़ा है, ये पाव है, इसको बड़ा पाव इसलिए बोलते हैं, दोनों को मिला के साथ में खाते हैं। अब आप अकेले खाए पड़े हैं भैया, उसको चाय के साथ खाएंगे क्या सुनील साहब? फिलहाल में हम लोग सूरत में हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं भाई साहब, है ना। ये खा लिया है अपना, खा लिया है तो काफी टेस्टी लगता है, मतलब यहाँ पे बड़ा पाव ज्यादा चलता है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सुनील, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, एकदम मजा आ रहा है। ऐसा क्या चीज है तुमको मजा आ रहा है भाई बता तो? एक चीज नोटिस किया मैं, इधर ना सारे दुकानों का नाम ना गुजराती में लिखे हुए हैं, देखो लिखा रहेगा गुजराती में, मतलब हिंदी में नहीं लिखा रहता है ना, दुकान का नाम भी गुजरात और इंग्लिश में, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं। काश हम लोग का भी छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया लिखा रहता ना। तो सूरत में ट्रेन का स्टॉपेज बहुत देर हो गया भाई, 10 मिनट हो गया तकरीबन। और सभी सूरत वाले भाई साहब को और जो भी मेरी बहनें हैं सबको हाय भाई सूरत से, मैं अभी करंटली सूरत में हूँ 10-15 मिनट के लिए। तो ये भैया लोग कुछ खा रहे हैं, शायद इसको ना ढोकला बोलते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन आप लोग बताइए कमेंट करके क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भैया इसको, आप क्या बोले? खम्मन भैया बोले इसको, खम्मन मैं पहली बार नाम सुना हूँ, शायद इधर सूरत में बोलते होंगे। ये कौन सी नदी है भाई साहब? नहीं पता, सूरत के जस्ट बाद पड़ती है ये वाली। वो देखो वहां भैया लोग मछली पकड़ रहे हैं, मछली ये देखिए। तो चलिए खाना खा लेते हैं अब। ये भी प्लेट खींची खींची खींची, ये शाबाश। ये पत्ता गोभी अभी कच्चा क्यों भाई? ये दाल नहीं पता जम गई है। सबसे पहले पत्ता गोभी कच्चा क्यों नहीं पता के लिए। और ये दाल तो जम गई है यार, पता ठंडी मतलब यहाँ पता नहीं ये जम गया है। ये छोले की सब्जी अगेन, ये ठीक है। और ये पनीर जिसमें 2 दाने पनीर है, सिर्फ 3 टुकड़ा पनीर का भाई और ज़्यादा नहीं। और ये रायता है कि पानी है कि क्या है, और एक रसगुल्ला एक तो दिया सॉरी, और एक गुलाब जामुन, और ये चावल इतना दिया है कि मैं अकेला खा जाऊंगा इतने। तो चलिए थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं, शाम के 5 बजे तक अहमदाबाद पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि मैं इतना थोड़ी खाऊंगा। इसमें देखो 5 रोटी ना, ये 4 रोटी बोले थे भाई साहब, इतनी पत्ती पत्ती रोटी सुनील साहू जी।
दो आप खा लीजिएगा, दो मैं, तो आप खा लीजिएगा, दो मैं खा लूंगा, ठीक। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग गुजरात के भरूच जंक्शन पे हैं भाई साहब, और यहाँ से हम लोगों की ट्रेन अभी 6 बजे तक वहाँ तक पहुँचेगी। सुनील सेल्फी खींच रहा है, देखो यहाँ पे ट्रेन चलने लगी। ट्रेन रुक गया। फ्रेश पीनट कितने का भैया? 100 रुपए का पैकेट। चलो मूंगफली दाना चाहिए? यहाँ की हर दुकान में ना वड़ा पाव, पता नहीं यही शायद फेमस है गुजरात में स्पेशली, लेकिन जी सर आइए जी, ऐसे ही निकल जाएंगे। अरे वाह, ज़्यादा स्पीड है, आराम से निकलिएगा। दिस इज तो रिस्की, वाह शाबाश भाई, ये सब निकलने वाला इनका रोज का काम है भाई साहब। राइट नाउ वी आर इन अहमदाबाद, बट हम लोगों ने मणिनगर उतरना है, जो अब आपको पता चलेगा कि हम लोग अहमदाबाद क्या करने आए हैं, अब पता चलेगा। तो जो भैया बुलाए ना, वो होटल का लोकेशन हमको सेंड कर दिए, लेकिन वो नियर पड़ रहा है मणिनगर से ना, अहमदाबाद जाएंगे तो वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पड़ेगा अहमदाबाद जंक्शन, और यहाँ मणिनगर में उतरेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, इसलिए हम लोग मणिनगर भी उतर रहे हैं। सामान वगैरह पैक कर लिए सब कुछ, हाँ ये हमारा सामान नहीं है, बाकी सामान पैक कर लिए। तो चलिए स्टेशन आ गया है, निकलते हैं। चलो साहू जी चलिए 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 5 फाइनली पहुंच गए। अब हम लोगों को यहाँ पे नहीं पता कि एग्जिट वाला गेट कहाँ पे है, देखते हैं, ढूंढते हैं, चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे स्टेशन के बाहर काफी सारे ऑटो, कहाँ जाना है अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे। तो हम लोगों को टेम्पो मिल चुका है, चलते हैं इसमें। चलिए भैया, डिंग 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 डिंग। यहाँ पे ना मैक्सिमम टेम्पो ना सिंगल सवारी वाले हैं, मतलब सिंगल सीट वाले, डबल सीट वाले, ट्रिपल सीट वाले कोई नहीं है, है ना? ये अहमदाबाद है भाई, यहाँ पे ना 3 पैसेंजर ही जाते हैं। अच्छा अहमदाबाद में 3 पैसेंजर ही जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते? तो फेरी वाली रिक्शा में। अच्छा फेरी वाले रिक्शा में अहमदाबाद में 3 पैसेंजर ही जाते हैं एक टेम्पो में। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। ये यहाँ पे आ गए, और पता है हम लोगों ने गूगल मैप में देखा तो वहाँ से यहाँ की दूरी बता रहे थे 4.5 किलोमीटर, तो इसका मतलब 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता। तो ये भैया ने 70 रुपये लिए, ठीक लिया ना 70 रुपये? थोड़ा धीरे चलो भैया, हम लोग को निकल जाने दो, निकल गए। कम से कम 2-3 मिनट से खड़े थे वहाँ पे हम लोग। तो ये हमारा होटल है, देखते हैं होटल वगैरह ना बुक सब भैया ने करवा दिया है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ अपना नाम बताना है और रूम बुक हुआ हुआ भैया राकेश कुमार के नाम से जी। तो ये आ गए, तो फाइनली ये है हमारा रूम, ये देखिए। अच्छा ये रिमोट है और ये बटन है एसी चालू करने का ना और बंद करने का, ठीक है थैंक यू। तो ये ना फाइनली रूम, ये देख सकते हो यहाँ पे सोफा लगा हुआ है और ये रहा एक टेबल और ये सकते हैं बेड। अब बेड की बात भाई साहब, बेड कितना मोटा है सुनील, देखना काफी ज्यादा मोटा है ना, एक बार सो के देखिए। काफी लग्जरी है यार। और यहाँ पे टीवी टीवी भी लगी हुई है, टाटा स्काई का एचडी सेटअप बॉक्स, ओह फाइनली एसी, मैक्रोमैक्स का एसी भी लगा हुआ है, देखो यहाँ पे एसी लगा हुआ है, मस्त डबल बेड है, दोनों लोग सो जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका आना अच्छा, ये लाइट अभी चालू नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप अपने कपड़े वगैरह रख सकते हो फिलहाल में, ये देखिए। और ये रहा कुछ व्यू बाहर का, ओ भाई साहब ये रहा बाहर का व्यू,
कि ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। वेद मेडिकल हॉस्पिटल ये शायद यहाँ का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वेद मेडिकल हॉस्पिटल, और नीचे रोड बढ़िया है। और ये रहा यहाँ का फाइनली सबसे ज़रूरी चीज़, टॉयलेट कैसा है क्या है कैसा कुछ टॉयलेट है, वॉश बेसिन, कमोड दिया गया यहाँ पे। चलिए परफेक्ट भाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तुम लोग की वजह से हो रहा है ये चीज़, कभी मत बोलना, आप लोगों की वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। तो फाइनली अब हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तो अब चलते हैं बाहर और इसका चाबी ले लेते हैं बार गेट का, उसके बाद चलिए आपको भी दिखाते हैं कैसा क्या यहाँ का मार्केट है शाम का, और भैया को इससे बात भी कर लेते हैं क्या काम करना है। क्या काम करना है ये तो पता है, लेकिन आज तो शायद काम नहीं हो पाएगा, कल देखते हैं। तो कल वाले ब्लॉग में आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो अभी फिलहाल हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब देखते हैं अब कहाँ घूमें क्या घूमें नहीं पता भाई, लिटरली नहीं पता। घूमने से पहले हम लोग खाना खाने लगे, देखो ये दाल है और इसके बाद छोले की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी भाई साहब मिल ही जाती है हर जगह, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये रहे चावल, और ये रहा प्याज, नींबू और रोटी। ये दो रोटी है फिलहाल में, अभी आपको तीन रोटी और दी जाएगी, और इसका प्राइस भैया बोल रहे थे 70 रुपये का है। हम लोगों ने एक शाही पनीर भी मंगाया था जिसका प्राइस 80 रुपये है। चलिए शुरू करते हैं। तो खाना खा के हम लोग आ गए और अब जा रहे हैं देखो सोने, क्योंकि ना कल सुबह जल्दी उठना है, काम भी करना है, और इस ब्लॉग को जल्दी से अपलोड भी करना है, क्योंकि ना 10 बजे वहाँ पहुँचना है। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आगे भी आपको और ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज़ अभी कंटेंट अच्छे अच्छे आ रहे हैं आई थिंक, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना नहीं किया तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया तो, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।